जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नागरिक सुरक्षा उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली में विश्व योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास की गतिविधियां आयोजित की गई। दिनांक 21 जून को नागरिक सुरक्षा द्वारा उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली में आयोजित विश्व योग दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान निगम प्रतिभा विद्यालय टी ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली में सवेरे SP एस तोमर और सर्वेश कुमार द्वारा योगाभ्यास किया गया। इसके अलावा रोहिणी जोन के अन्य वार्डन्स और कॉर्प्स मेंबर्स को भी योगाभ्यास कराया गया। यह योगाभ्यास तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जागरूकता फैलाई गई है। साथ ही उत्तर पश्चिमी जिला दिल्ली के जिला उद्यान नेताजी सुभाष पैलेस में भी विश्व योग दिवस के अवसर पर गतिविधियाँ आयोजित की गई। यहाँ सरस्वती विहार जोन के वार्डन्स राम कुमार यादव, PWYS चौहान, PW शफी अहमद, PW अतर सिंह, DPW हरीश चंद्र ने योगाभ्यास किया। इसके अतिरिक्त कॉर्प्स मेंबर्स को भी योगाभ्यास कराया गया। लो
या हाई रहता है तो नॉर्मल रहेगा। अगर यही चीज हम बाएं हाथ से करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर के अंदर दिक्कत आ जाएगी, या तो लो रहेगा या हाई रहेगा। इसीलिए दाहिने हाथ को दाहिनी नासिका पर रखते हुए इस प्राणायाम को करते हैं। और ये प्राणायाम आपके मानसिक तौर पे बहुत ही उपयोगी है। किसी भी तरीके का आपके ब्रेन के अंदर या मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रह रही है तो आप इस प्राणायाम को अवश्य करें। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको महसूस होगा अपने अंदर कि मेरा ये दिमाग या मेरा जो मन शरीर कितना शांत होता जा रहा है, कितना पवित्र होता जा रहा है, कितना मुझे अच्छा लग रहा है। आप ये अनुभूति महसूस करेंगे अपने अंदर। तो कंटिन्यू इसको करें थोड़ा सा, दो चार बारी और। क्लास आराम से, ये जो मैंने आपको पहला आसन जो कराया था भस्त्रिका आसन, अब हम करेंगे बाह्य आसन, बाह्य प्राणायाम। अब बाह्य प्राणायाम क्या है उसको आप देखिए एक बारी। बाह्य प्राणायाम के अंदर आप लंबी गहरी सांस को अंदर भरेंगे, इसके बाद पूर्ण रूप से सांस का हम एक एक सांस का हमारा कण बाहर हो जाना चाहिए। बाहर हो जाने के बाद में हम अपने तीन बंद लगाएंगे शरीर के अंदर। पहला हमारा जलंधर बंद है, दूसरा हमारा नाभि बंद है, तीसरा हमारा उड्डयन बंद है, नीचे वाला स्तर को ऊपर की तरफ। यानी कि नाभि को कोशिश करेंगे हम ये वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ को खींचने के लिए। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस को अंदर भरें और सांस का एक एक कण बाहर निकालने हैं इस तरीके से। जितनी देर तक आपको सामर्थ्य है सांस को रोकने का उतनी देर तक ही रोकें। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा लंबे समय तक सांस रोकें, लेकिन तीनों बंद लगाना अनिवार्य होता है इसके अंदर। जब आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं सांस का एक एक कण बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाद आप अपने नाभि के पहले तो नाभि का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ को खींचे, नीचे वाला हिस्सा, फिर नाभि को आप ऊपर की तरफ को खींचे, फिर आप गर्दन को नीचे की तरफ को झुका दें। इसको हम कहते हैं बाह्य प्राणायाम। करें कंटिन्यू इसको, कम से कम तीन बार तक इसको करना है और अधिक से अधिक आप पांच बार तक इसको कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा करना है, तो सात बार तक आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आराम से। अब इसी के एक सहायक क्रिया है, इसी की सहायक क्रिया में क्या है, आप लंबी गहरी सांस को लेंगे और लंबी गहरी सांस को बाहर फेंकेंगे, बाहर निकाल देंगे, फिर पेट को आपको हिलाना है। देखिए एक बार कैसे हिलाएंगे आप पेट। स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, पेट को हिलाना है। हिलाइए, करिए, करें इसको, पेट हिलाना है आपको। जैसे समुद्र में आप नाव देखते हैं या सीप देखते हैं वो लहर खाता है, ऐसे आप पेट को हिलाएं सभी। कम से कम तीन बार करना, सांस को रोक के पहले सांस को अंदर भरना, फिर पूर्ण रूप से सांस को बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद फिर पेट को हिलाए, पेट हिलाएंगे इस तरीके से। इससे हम
इसको आप देखेंगे बाबा रामदेव जी जब इसको प्रणायाम को करते हैं, पेट हिलाने वाला, इसको पेट हिलाने वाला, इसको बाम नौली भी प्राणायाम के तौर पे किया जाता है कि आपकी इस तरीके से पेट हिलाया जाता है या ऐसे पेट को हिलाया जाता है। ठीक, तो ठीक है, क्लास आराम से। अब हम करेंगे यहाँ पर मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, पैर को, दोनों पैरों को पीछे करके बैठ जाए, अपने दोनों पैर को पीछे करके बैठ जाए और दोनों अंगूठे उंगलियां पीछे की तरफ को रखें, पीछे की तरफ को उंगलियां रखें ऐसे। आप दोनों उंगलियों को आपस में मिला लें, ऐसे बैठना नहीं है, पूरा ऐसे उंगलियों पर नहीं बैठना, पूरी उंगलियों को इस तरीके से लिटा दे, पूरा की पूरा लिटा दे, हाथों की नहीं पैरों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को लिटा दे और उस पर बैठ जाए ऐसे। ठीक, हाँ, ये आगे थोड़े दिन हो जाने थोड़े, ये इसको हम वज्रासन कहते हैं, ये वज्रासन है आपका, लेकिन हमें इसके अंदर मंडूकासन करना है। अब मंडूकासन तो आप करेंगे, मैं आपको उसके फायदे गिनाता रहूंगा, आपको करना कैसे वो ध्यान दें। अंगूठे को अंदर रखे ऐसे करके, मुट्ठी बंद कर लें, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बंद कर लें, आप दोनों उंगलियां, ये जो उंगलियां आपकी ऐसे मिला लें। अब जो अंगूठे वाला हिस्सा है नाभि के बीच में रखें, अंगूठे वाला हिस्सा नाभि के बीच में, यहाँ पर लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे और सांस का एक एक कण बाहर निकाल कर नाभि की तरफ को झुकेंगे, जैसे सर इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक, तो शुरू करें मंडूक आसन। नीचे झुकने के बाद सांस बिल्कुल नहीं लेना है, जितनी देर तक सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक। वापस पुनः वापस आकर आप सांस को ऊपर लेंगे और ऊपर ही छोड़ेंगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। करते रहें इस क्रिया को कंटिन्यू, मैं इसका फायदे आपको गिना रहा हूं, करते रहें। लंबी गहरी सांस को अंदर और पूर्ण रूप से सांस को बाहर निकालना है नाक से, इसके बाद आगे झुकना है। यह मंडूकासन है, किसी भी तरीके का आपको शुगर हो रहा है, चाहे शुगर आपको सूखने वाला हो रहा हो, चाहे मोटापन वाला हो रहा हो, इस कंटिन्यू इस मंडूकासन को आप करते हैं, इसको 3 से 5 बार तक इस क्रिया को आप करते हैं। अगर आपको जल्दी स्वस्थ होना है तो आप 7 बार 10 बार इस क्रिया को कर सकते हैं। इसको करने से किसी भी तरीके का शुगर है वो आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिलता है। आप दुनिया की कोई भी दवाई खा लीजिए, आपको आराम नहीं मिलेगा शुगर के अंदर, क्योंकि डॉक्टर एक बार शुगर जिसके अंदर पैदा हो गया, इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है या निर्माण होना बंद हो जाता है, या आपके पैनक्रियाज खत्म हो जाती है, तब हमारे शरीर के अंदर अपने शुगर का आना शुरू हो जाता है। इन दोनों क्रियाओं को वापस लाना, इन दोनों चीजों को वापस लाना, ये मंडूकासन है, यही वापस लाता है। इसको करने से ये दोनों चीजें पैदा होती हैं आपके शरीर के अंदर और शुगर आपका नॉर्मल हो जाता है और दोबारा आता नहीं है अगर आप इसको करते हैं तो। करें एक बारी और, करें इसको एक बारी और, करें एक बारी और करें, शाबाश। इसकी दूसरी सहायक क्रिया भी है, इसकी दूसरी सहायक क्रिया क्या है, अपने बाएं हाथ को अपने नाभि के ऊपर रख लें और दाहिने हाथ को उसके ऊपर रख लें और लंबी गहरी सांस को बाहर अंदर भरकर पूरी तरह से बाहर फेंके। ऐसे दबा पड़ा, और इसकी तीसरी भी सहायक क्रिया है, तीसरी सहायक क्रिया है, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और नाभि के ऊपर रखें, इसके बाद अपने हाथ से मुट्ठी को पकड़कर और वही क्रिया, सांस को अंदर भरना, सांस को बाहर निकालना और इसको कंटिन्यू करना। बता दिया मैंने, किसी को भी शुगर हो रहा है आप इसको करके देखें, 15 दिन के अंदर रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बता सकते हो, ये बहुत ही उपयोगी है। मैंने इस पर 5 साल तक अपने क्लास लिए, मैंने असाध्य रोगों को ठीक किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
किसी को अगर सर्वाइकल पेन है तो वो तो आपको ठीक नहीं हो रहा है, 3 दिन के अंदर इन प्राणायाम को करने से ठीक हो जाता है। आप 3 दिन तक कंटिन्यू करें और देखें उसका रिजल्ट क्या है। ठीक, तो सभी पैरों को अपने खोलें और फिर हम अपने नॉर्मली सुखासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी जो प्राणायाम है, इस प्राणायाम के अंदर 3 प्राणायाम है। ठीक, तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा इसी प्राणायाम को करते हुए आप उनको फॉलो करेंगे। आंखों को खोलना नहीं है, आंखें बंद रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ये तर्जनी उंगली को, अपनी 3 उंगलियां नाक की और आंख की दिशा में हम साइड में रखते हैं और ये तर्जनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।